हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज हो रही है मेरे रूम की सफाई, तो मैं मेरे रूम में एक बार तो सारी चीज़ें यानी डिटैच कर रही हूँ, क्योंकि जो जो एक दूसरे से अटैच है, कहीं कहीं पर वायर्स हैं और बेड पे पिलोज वगैरह सब कंप्लीट हटा देती हूँ। सिर्फ बेड पे डैंड्रफ ही रहेगा और जो भी कचरा है वो आज कंप्लीट निकल जाने वाला है। तो पहले पहले मैं मेरी जो सफाई है वो कर देती हूँ, यानी सफाई करने वाले को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो अभी मैं पिलोज और ब्लैंकेट वगैरह सब समेट के एक तरफ भगवान वाले रूम में रख देती हूँ, ताकि बीच बीच में डिस्टर्ब ना करें। और ये जो भी मेरा पीसी वगैरह है, ये चिकू अभी आएंगे तो चिकू को बोलूँगी कि ये यहाँ से हटा दे, क्योंकि सफाई करेंगे तो अगर एक चीज़ इधर से उधर तो हो गई ना, मेरी तो चटनी बना देंगे। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी महंगी चीज़ें हैं उठाने करने में, कहीं अपन से कुछ भूल हो गई, कुछ टूट फूट गया तो फटका सीधा भारी लगने वाला है। तो इसीलिए पहले चिकू अभी जैसे ही नहा के आते हैं, चिकू से सारा हटवा देती हूँ मैं। मेरे लेवल पर जितना हटा सकती हूँ उतना हटा देती हूँ। पूरा रूम हो चुका है खाली और अब होगी सफाई। तो एक तरफ रख देते हैं कैमरे को और सफाई करते हैं। रूम की तो सफाई हो ही रही है। अभी वो उधर साइड छोटा सा वॉशरूम है जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो OTS है तो उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी आती है और चिपकली जाती है, इसलिए मैं तो नहीं जाती, उसको बंद ही कर रखा है। पर कुछ उसके साथ नया करूँ ये सोच रही हूँ। पर अभी मैं यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग है वो जमा रही हूँ पूरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैस हो गया। अभी जमाया था पर तो भी मैस हो गया। कल हमने शिद्दत मूवी देखी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मज़ा आ गया देखने का, एकदम प्योर लव स्टोरी, शानदार। सारे हेयर ऑयल्स है वो ऊपर जमा देती हूँ, क्योंकि चिकू को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स यूज़ करने में मज़ा आता है। बाहर झाड़ू लगाया है क्या, विवाद छिड़ गया, देख के आती हूँ। आज है बहुत सारा काम, इसलिए मैंने खाना मंगवा दिया है होटल से, चिकू भी लेके आए हैं। चिकू की प्लेट जमा देते हैं, अब क्या क्या लेके आए हैं देख लेते हैं, क्योंकि अपन को भी पता नहीं है। रोटियाँ, चावल, चावल सलाद, सब्जी। तो बीस मिनट दी तुम नहीं था कि बरी बरी ले जाओ मम्मी, मेरे पास तेला है। ये शायद पनीर लहसुनिया है सब्जी, और ये दाल है, ये भी सब्जी है, और ये रोटी है। अच्छा, ये बटर वाली है, ये नॉन बटर है। ठीक है, चलो आज के दिन होटल वाला एडजस्ट कर लेते हैं। ये लग गई है चिकू की थाली, मैं चिकू को दे देती हूँ, यानी चिकू चिकू खा ले एक बार। ओके, रूम की सफाई दिखा देती हूँ आपको, रूम की सफाई कैसे क्या हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए हम लोग तो। थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर दिया है, इधर वाला जो गेट आपको दिख रहा है यहाँ पर अंदर कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हो जाए तो अच्छा है, सोचा है सिर्फ, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है उसको, तो वही अब लगा दूँगी बेडशीट वगैरह। हाँ हो, मिल दो। बेडशीट तो लग गई और सुबह के क्या थक रहे हैं बहुत ही ज़्यादा।
अभी मैं रेस्ट कर रही थी और एकदम से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। अरे वो डेंगू की मशीन है ना, तो वही तो मैं दिखाने के लिए आ रही हूँ। तो यहाँ पर डेंगू वो हमारे ऋषभदेव में है, वो जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसकी उसी के लिए दवाई छिड़कने के लिए भी गाड़ी आई थी। फुल स्मोक स्मोक हो गया, गाड़ी चली गई थी इतने माँ के पूरे गांव में छाटता है उनको। कहाँ छाट रहा है? बैठो बैठो, उधर साइड वो भैया हैं दवाई छिड़क रहे। वो भैया दवाई छिड़क के चले गए बस अभी। अच्छा हुआ डेंगू की, क्योंकि डेंगू के मच्छर हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा पनप रहे हैं और ऋषभदेव में उसी वजह से बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यानी सब लोग इतने परेशान हैं डेंगू से, आवाज़ बहुत तेज है और डेंगू से परेशान कितने हैं लोग, लगभग यानी हर घर में डेंगू हो रहा है ना नव। और सब जने अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना तो चला गया है पर डेंगू पीछे पीछे बहुत फैल रहा है, बस वही चीज़ है। और थक गए, आज शायद नवरात्रि खेलने का विचार है, सब जनों को इकट्ठा करते हैं और प्लानिंग करते हैं। आज नवरात्रि खेले ना, गरबा खेले अपने यहाँ पे? उस साल पता अपने खेला था, कितना मज़ा आया था, इतना क्यूट है हमारा नव। तेरी गन बता दे, चल सारी बताओ। नहीं नहीं सारी देख ली, वहाँ पर कमरे में पड़ी है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम आज नवरात्रि सेलिब्रेट करें ऐसा सोच रहे, पर आज सब जने बहुत थक गए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रूम में चारों तरफ सफाई की, घर में भी सब कर्टन्स वगैरह निकाले थे, वो वॉश किए थे, वापस लगाने भी थे, तो सब थक गए थे, मैं भी थक गई थी। और तबीयत भी अभी लगभग, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी सबकी ख़राब चल रही है, क्योंकि सबको वीकनेस वगैरह फील हो रही है, तो कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था। बस यही आज कैंसिल कर दिया, हो सकता है तो हम शरद पूर्णिमा पर रखेंगे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर सब जने अग्री हुए तो रखेंगे। और हाँ, मैंने आपको दोपहर में बोला था ना कि बाहर क्या विवाद चल रहा है, विवाद कुछ नहीं चल रहा था, सब जने पूरे साल की झाड़ू ले रहे थे, झाड़ू वाले भैया आए थे इसलिए, तो वही प्राइजिंग के चक्कर में एक दूसरे यानी थोड़ा सी ऊँची आवाज़ लगी, तो मैंने कहा क्या हो गया, देखूँ तो सही, हुआ कुछ नहीं था, सब लेडीज़ की आदत होती है, और बार्गेनिंग करे बिगड़ हमको कहाँ मज़ा आने वाला है इंडियन लेडी को। तो अगर यहाँ तक ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय।